Dear students, welcome back to BBVA online classes. Today we will continue our fourth chapter, that is determinant and exercise 4.5, in which we will discuss about the adjoint and inverse of a matrix. In the last videos, हमने आपको basic introduction adjoint inverse of a matrix बताया था. कुछ questions हमने उससे related किए थे. अब उन questions को आगे forward करते हैं, देखते हैं क्या क्या problems और आती हैं. Before that, please open your book, page number 132. क्वेश्चन नंबर 5 जो है उससे पहले लिखा है कुछ, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस. बहुत सारी मैट्रिसेस दी हैं, आप उनका इनवर्स फाइंड कीजिए. इफ इट इज एग्जिस्ट मींस मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड इट्स डिटरमिनेंट. इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देन द इनवर्स इज एग्जिस्ट. गिवन फ्रॉम एक्सरसाइज 5 to 11, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपको इनवर्स निकालना, सीधी सी बात ये है. 5 और 6 आपका सेकेंड ऑर्डर का है, 7 to 11 सारे आपके थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए गए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं 5 लेता हूँ यहाँ से. द गिवन मैट्रिक्स इज, हम क्या करते हैं बेटा, उसको लेट कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स, राइट. एंड दैट इज व्हाट, 2 - 2 एंड दिस इज 4 और 3, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट. फॉर चेकिंग दैट द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, वी हैव टू फाइंड इट्स डिटरमिनेंट टू चेक दैट द विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिस, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. इफ इट इज नॉन सिंगुलर देन इट इज इन्वर्टिबल एंड वी फाइंड द इनवर्स बाय द मेथड, दैट इज ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ए इज व्हाट, 2 - 2 4 और 3. By solving this determinant, 3 to the expanding this 6 minus minus plus 4 to the 8, that is 14, that not equal to 0. It means A inverse exists and it is given by A inverse is what, 1 upon determinant of A into adjoint of A into adjoint of A. इट मीन्स वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट तो आपने निकाल लिया, क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट इज व्हाट, द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, फॉर विच वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स. तो a11 a12 a21 and a22, कोफैक्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा कैपिटल a1 से, कैपिटल a12, कैपिटल a13, कैपिटल a21 and this is 22. देखिए जहाँ सम इवन है वहाँ प्लस रहेगा आपका, माइनर आ जाएगा डायरेक्ट m11, राइट. माइनस आएगा यहाँ पे m12, यहाँ भी माइनस आएगा m21 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका m22. m11 डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3. m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4. m21 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज -2, माइनस पहले से है +2. एंड m22 रो एंड कॉलम, दैट इज 2. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट बेटा, द कोफैक्टर मैट्रिक्स a11 a12 a21 एंड a22 एंड इट्स ट्रांसपोज. a11 ये रहा आपका, दैट इज 3. a12 -4, a21 2 एंड a22 इज 2 एंड इट्स ट्रांसपोज. एंड व्हाट इज दिस ट्रांसपोज, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, ट्रांसपोज करेंगे 3 माइनस 4, दिस इज 2 एंड 2. और हमने आपको बताया था इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय डायरेक्ट चेंज द डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज है ना, एंड चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगनल. तो देखिए ना, साइन चेंज हो गया, माइनस का था ये प्लस का, ये 4 प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये इंटरचेंज हो गए देखो. ठीक है, नाउ द एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस. नाउ द ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. व्हाट इज डिटरमिनेंट, इट इज दैट इज 14, देन 1 अपॉन 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -4 एंड दिस इज 2, दिस इज ए इनवर्स. लेट मी चेक द आंसर प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज आपकी है 4.5.
adjoint and inverse of a matrix. 4.5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5. 1/14, 3, 2, -4, 2, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये प्रोसेस रहेगा आपका, चाहे आपका सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आपको जो इन्वर्स निकालना है उसके लिए प्रोसेस यही रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट. आफ्टर दैट फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय दिस मेथड. ए इन्वर्स इफ इट इज एग्जिस्ट 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये 2/2 ऑर्डर की थी, इसलिए आपके पास ये इजी सा वे था. जब ऑर्डर 3 आएगा उसमें थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बाकी प्रोसेस यही रहना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10. चार क्वेश्चन है बेटा, दोनों जो चारों क्वेश्चन है, चारों के चारों आपको थर्ड ऑर्डर के हैं. इसमें से कोई दो आप मेरे से करवा सकते हैं, दो आपको खुद को करना है. तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, 5 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको खुद को करना है, डू योर सेल्फ. ठीक है, हाँ 7 मैं करवाता हूँ जो ऑर्डर थर्ड का है. उसके लिए आप क्वेश्चन को देखें और देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके उसको आप सोल्व करने की कोशिश करें. अगर नहीं होता है देन यू वॉच द वीडियो. और क्वेश्चन क्या है कि आपको एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है. पहले तो आपको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं. उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू चेक इट्स डिटर्मिनेंट. इफ इट इज़ 0 सिंगुलर इन्वर्टिबल नहीं होगी, और अगर नॉन जीरो है तो सीधी से बात है इन्वर्टिबल होगी. हम क्या करेंगे, लेट द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, ए. हमने कंसीडर कर ली 1, 2, 3, 0, 2, 4 एंड दिस इज 0, 0, 5, राइट. ये आपके पास है, क्या करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आउट द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट. देन व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट, एक्सपेंडिंग अलोंग C1. देखिए मैं C1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, दिस एंड दिस 2, 4, 0, 2, 4, 0, 5. आगे 0, 0 है कोई मतलब नहीं है, राइट. ये 1 आपका है बाहर. 5 2 10 -0, 10 -0, 10, 10 × 1, 10. इट मीन्स द गिवन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन ए इनवर्स इज व्हाट, इनवर्स ऑफ ए इज गिवन बाई 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये होगा आपका. ठीक है, क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस. टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड, राइट डाउन इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो मैं डायरेक्ट बेटा कोफैक्टर लिख रहा हूँ, a11 a12 a13, नेक्स्ट a21 a22 a23 a31 a32 and a33. ये है आपके पास. दिस ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम, राइट. टोटल देर आर 9 एलिमेंट्स एंड देर आर 9 कोफैक्टर्स. इफ वी ट्रांसपोज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स देन वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. चलिए 1+1, 2 पॉजिटिव रहना, 1+2, 3 नेगेटिव, 1+3, 4 पॉजिटिव, 2+1, 3 नेगेटिव, 2+2, 4, 2+3 नेगेटिव, 3+1, 4 पॉजिटिव, 3+2, 5 नेगेटिव एंड 3+3 is 6, दैट इज पॉजिटिव. राइट डाउन इट्स माइनस m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31, दिस इज m32 एंड लास्ट वन इज m33. अब आपको बस ये माइनस थोड़े ध्यान से लिखने हैं, बाकी तो कुछ नहीं है. अगर कोई फैक्टर मैट्रिक्स में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है इसका मतलब सारा क्वेश्चन ही गलत है आपका. देखिए m11 फर्स्ट रन फर्स्ट कॉलम 2 4 0 5 2 4 0 5, फर्स्ट माइनस लगाओ इसके. 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 4 0 5 0 4 0 5, राइट. नेक्स्ट 1 3 रो एंड कॉलम 0 2 0 0 0 2 0 0. नेक्स्ट 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 0 5 2 3 0 5. नेक्स्ट 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 0 5 1 3 0 5. माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2 0 0 1 2
जीरो जीरो, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, टू थ्री टू फोर, टू थ्री टू फोर, माइनस ऑफ थ्री टू। थर्ड रो सेकंड कॉलम, वन थ्री जीरो फोर, वन थ्री जीरो फोर, एंड लास्ट इज वन टू जीरो टू, वन टू जीरो टू। एक्सपेंड ऑल द डिटरमिनेंट्स, आप इनको सोल्व करेंगे। देखो फाइव टू जो टेन माइनस फोर, टेन माइनस दैट इज जीरो, नॉट फोर, सिक्स, माइनस ऑफ जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो, जीरो माइनस जीरो दैट इज अगेन जीरो, फाइव टू जो टेन माइनस जीरो, माइनस ऑफ टेन, दिस इज फाइव माइनस जीरो फाइव, दिस इज वन जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो, नेक्स्ट फोर टू जो एट माइनस सिक्स टू, फोर माइनस जीरो ये माइनस फोर है आपका, टू माइनस जीरो दैट इज टू। लेट मी चेक अगेन, टेन माइनस जीरो आपका ये टेन रहेगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका, टेन माइनस जीरो दैट इज टेन, दिस इज जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस दिस इज जीरो, टेन माइनस थ्री, टेन माइनस थ्री ये जीरो रहेगा आपका, बाहर माइनस है, माइनस टेन ये आपका फाइव, माइनस जीरो फाइव, जीरो माइनस जीरो जीरो, एट माइनस सिक्स टू, दिस इज फोर माइनस जीरो माइनस फोर, एंड दिस इज टू माइनस जीरो टू। देयर ऑल आर द कोफैक्टर्स, राइट डाउन इट कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगी बेटा आपकी, देखो फर्स्ट रो के तीनों कॉलम ये रहे आपके पास, टेन जीरो जीरो, नेक्स्ट माइनस टेन फाइव जीरो, एंड लास्ट वन टू माइनस फोर टू, टू माइनस फोर टू, एंड इट्स ट्रांसपोज, इट्स का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, टेन जीरो जीरो माइनस टेन फाइव जीरो, एंड दिस इज टू माइनस फोर टू, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब आपको इन्वर्स चाहिए, देन इन्वर्स इज गिवन बाई वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देयरफॉर ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, इज डिटर्मिनेंट इज टेन, एंड इट्स टेन जीरो जीरो माइनस ऑफ टेन फाइव जीरो टू माइनस फोर एंड टू। लेट मी चेक द आंसर प्लीज, क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सरसाइज 4.5, सेवन इज वन अपॉन टेन, टेन माइनस टेन टू, जीरो फाइव माइनस फोर जीरो जीरो टू। तो ये प्रोसेस रहेगा बेटा आपका कंप्लीट। होना क्या है कि अगर ऑर्डर थर्ड होता है किसी भी डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का जो आपको सोल्व करने यूनिवर्स के लिए, तो बस थोड़ा सा काम ये है कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएंगी, बाकी मेथड वही रहना है। पहली स्टेप टू चेक द गिवन मैट्रिक्स इनवर्टिबल और नॉट, आफ्टर दैट राइट डाउन ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ द कंसर्न मैट्रिक्स, एंड नेक्स्ट स्टेप फाइंड द इनवर्स बाय दिस मेथड। बस ये तीन स्टेप आपकी मेन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, एट और टेन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर टेन, डू योरसेल्फ। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर नाइन, थोड़ा सा उसमें बस होना यही है, सारा प्रोसेस यही रहेगा, बस डिजिट्स चेंज हैं और करना कुछ नहीं है आपको, सब कुछ वही रखना है, ये भी सब सेम वही रहेंगे, माइनर्स को फैक्टर्स सारे, बस इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। तो बार बार क्यों लिखें इनको, बस इनकी वैल्यूज आपको चेंज करनी है। ये प्लस माइनस का चक्कर आप पहले सोल्व करें ताकि बाद में आपके पास गड़बड़ ना हो। यहाँ भी हमारा एडजॉइंट आना है और ये आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। देखिए द गिवन मैट्रिक्स इज व्हाट, लेट ए इक्वल्स टू टू वन थ्री, टू वन थ्री, फोर माइनस वन जीरो, एंड माइनस सेवन टू वन, ये आपकी मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इस डिटरमिनेंट इज व्हाट एक्सपेंडिंग अलोंग एनी वन ऑफ द रो, आर वन के अलोंग कर लेते हैं टू, रो कॉलम माइनस वन जीरो टू वन, ठीक है, माइनस ऑफ वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फोर जीरो माइनस सेवन जीरो वन, फोर जीरो माइनस सेवन एंड वन, एंड प्लस थ्री रो एंड इट्स कॉलम फोर माइनस वन माइनस सेवन एंड टू। देखिए टू दिस इज माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो, माइनस ऑफ वन दिस इज फोर माइनस जीरो, एंड दिस इज प्लस ऑफ थ्री दिस इज एट माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा सेवन। तो ये क्या हो गया आपका टू, कितना रहा यहाँ से माइनस वन
minus of 1 into 4, 3 into 1. And this is what? Minus 2, minus 4, plus 3. This is minus 6 plus 3. And that equals to minus 3. Minus 6 ho gaya ne? So minus 3. And that not equal to 0. It means A inverse exists. And that is given by A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Ye hai aapka. Wahi same process. Minus cofactors. कोफैक्टर्स निकालेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा बेटा, माइनस वन, और ये माइनस जीरो होगा, ये आ जाएगा आपका माइनस वन. मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है. वन टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज फोर माइनस ज़ीरो, फोर माइनस ज़ीरो दैट इज़ फोर, बाहर माइनस है, इसमें प्लस रहेगा. रो एंड कॉलम एट, माइनस माइनस प्लस सेवन हो जाएगा, लेकिन बीच में फिर से माइनस है, एट माइनस सेवन इज़ वन. माइनस ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वन माइनस सिक्स दैट इज माइनस फाइव, माइनस ऑलरेडी है प्लस फाइव. टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, टू वन जै टू, माइनस माइनस ट्वेंटी वन, तो प्लस ट्वेंटी वन हो जाएगा, ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री. माइनस ऑफ एम टू थ्री, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, टू टू जै फोर, माइनस माइनस प्लस सेवन, सेवन प्लस फोर इलेवन. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये जीरो, माइनस माइनस प्लस थ्री, एंड दैट इज थ्री. अच्छा, इसका माइनस हमने लिया कि नहीं लिया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज दिस ऑफ माइनस साइन, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आ गया. नेक्स्ट एम थ्री टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो माइनस ट्वेल्व, माइनस ये है प्लस ट्वेल्व. थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर, माइनस सिक्स. राइट डाउन द कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज वन माइनस फोर वन, फाइव ट्वेंटी थ्री, एंड माइनस ऑफ इलेवन थ्री ट्वेल्व, एंड माइनस ऑफ सिक्स, एंड इट्स ट्रांसपोज. व्हाट इज ट्रांसपोज? इट इज वन माइनस फोर वन, फाइव ट्वेंटी थ्री, माइनस ऑफ इलेवन थ्री ट्वेल्व, एंड माइनस ऑफ सिक्स. देन व्हाट इज ए इनवर्स? A inverse 1 upon determinant of A into what? Adjoint of A. Then A inverse is given by 1 upon determinant of A is what? Determinant is minus 3. And this is what? The matrix 1 minus 4, 1, 5, 23, minus of 11, 3, 12, minus of 6. आप चाहें तो इस माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 by 3, 1 minus 4, 1, 5, 23, minus of 11, and this is 3, 12, and minus of 6. This is A inverse. Let me check the answer, please. Question number 9, exercise 4.5. Minus 1 by 3, 1 minus ka tha ye aapka. Sabse pehla, minus ka 1 hai na. Dekhi, minus 1. Minus 1, minus 1. This is of minus, minus 1. Minus 1, minus 4, 1. 5, 23, minus of 11. 3, 12, minus 6. Right? Ye aapka question the. उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और क्वेश्चन नंबर 6 एक सेकेंड ऑर्डर का है, एक थर्ड ऑर्डर का, दोनों आपको सोल्व करने हैं. ये कंप्लीट प्रोसेस था हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर दिस एक्सरसाइज 4.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.